इवन आफ्टर हैविंग फोर बॉक्सिस फिल्ड ऑफ लिपस्टिक्स मैंने नोटिस किया है कि यूजुअली आई ऑफ फॉर न्यूड शेड्स पहले मोर अबाउट ब्राउन न्यूज फिर बीच न्यूज का फेज आया बट नाउ आई प्रेफर शेड्स दैट आर प्रॉपर न्यूड न्यूज बेसिकली एम एल बीबीप बट बेटर काइंड ऑफ शेड्स एंड आई नो मेरी ऑडियंस को भी ऐसे ही लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद है क्यूँकि जब भी मैं एक न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ मुझे इतने सारे डीएम और कॉमेंट्स आते हैं लिप कॉम्बो लिप कॉम्बो लिप कॉम्बो सो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के शेयर करती हूँ टॉप टेन लिपस्टिक्स जो कि एकदम परफेक्ट कलर्स हैं एंड आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे with कुछ थोड़े से मेरे स्किन टोन के लिए डीपर हैं बट वो उन लोगों के लिए काफी अच्छे रहेंगे जो मेरे से ज्यादा डीप स्किन टोन के हैं तो इंटरेस्टेड इन नोइंग टेन न्यूड शेड्स एंड एंड विदाउट मेकअप कीप ऑन वॉचिंग द वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल अ मोमेंट हिट दैट Subscribe button now without any further blabbering, let's just dive right into the video.

Nude color. क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक है तो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट येट इतनी जल्दी भी रिमूव नहीं होती खाने पीने के बाद भी इट इज स्टिल देयर बट यू नीड टू टच अप एंड क्योंकि बुलेट लिपस्टिक है तो टचअप करना बहुत ज्यादा आसान होता है सो या इट इज वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक फॉर्मुलेशन एज वेल एंड पैकेजिंग भी इसकी काफी ज्यादा क्यूट है सो येस दिस शेडिनेट मस्ट है सो so नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी अफोर्डेबल तरफ जाते हैं दिस इज द इनसाइड की मैट लिप इंक एंड इसका कलर तक उतर चुका है मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है दिस इज इन द शेड ओके मैं इसका शेड यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज इसमें से लेबल हट गया है सो आई नीड टू सर्च की कौन सा शेड था बट uh, uh, इसको मैंने आई थिंक लास्ट ईयर ऑर्डर किया था अपनी नाइका हॉल में एंड दिस इज वट द शेड लुक्स लाइक ये इतना ज्यादा सुंदर न्यूड कलर है मेरे लिप्स पे ये एकदम माइल लिप्स बट बेटर लगता है एंड इट हैज़ स्लाइटली मोर ब्राउन इन इट एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा शेड है इट विल सूट अ लॉट ऑफ स्किन टोन्स इवन मेरे अगर आप डीप और डॉसकी हो तो तब भी आप पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा जो थोड़े से ज़्यादा डीप होंगे उन पे ये एकदम परफेक्ट न्यूट शेड लगेगा एंड दिस इज़ वन शेड जो आप लोगों के पास पक्का होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ लिप लिक्विड लिपस्टिक सो ये बहुत लंबा लास्ट भी करती है बट इट इज़ नॉट दैट ड्राइंग अगर आपने नीचे लिप बाम लगाया है तो तो आपको इसके ड्राइंग इफेक्ट का बिल्कुल नहीं पता चलेगा इट इज़ वन ऑफ दोज फॉर्मूलाज जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल येट लॉन्ग लास्टिंग है सो आई रियली लाइक टू कीप दिस लिपस्टिक ऑलवेज़ इन माई बैग एंड नो मैटर वॉट लिपस्टिक आई हैव ऑन इससे ही मैं टचअप करती रहती हूँ so, तो जब से मेरे पास आया है तब से यह मेरा फेवरेट है नाउ अनलाइक द अदर टू ये थोड़ा सा ब्राउन न्यूड की तरफ जाता है ये एक ऐसा शेड है अगर मैंने स्मोकिया किया है तो आई डू नॉट लुक एनी फर्दर और मैं इसी लिपस्टिक को रीच आउट करती हूँ दिस शेड लुक वेरी 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 प्रिटी मुझे काफी पसंद है एंड ये शेड बहुत ज्यादा सुंदर है मूविंग ऑन टू अनादर अफोर्डेबल फाइन ये है शुगर पॉप की लिक्विड लिपस्टिक मैट लिप कलर है इन द शेड जीरो टू मॉफ नाउ ये वाला जो मॉफ कलर है इट it... अगेन इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रिटी न्यूड बस ये थोड़ा सा डीपर साइड में है सो तो अगर आप मेर से ज़्यादा डीप स्किन टोन के हो तो ये आप पे एकदम परफेक्ट लिप कलर लगेगा बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने लिप्स पे कुछ लगा भी रखा है इट हैज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पिंक एंड ब्राउन अ लिटिल मोर टूवर्ड्स द पिंकी साइड बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मूला है तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है बट ये थोड़ा सा ड्राइंग फील हो सकता है अगर आपने अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर So, apply a lip balm always before applying a liquid lipstick. And again, it is a very lightweight formula. वैसे कंफर्टेबल लगता है बट लिप बाम लगाना इसके नीचे थोड़ा सा जरूरी है बट दिस शेड जीरो टू मॉव इज वेरी वेरी प्रिटी एंड आई फील कि इंडियन वेयर के साथ ये वाला शेड बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लगता है नो मैटर व्हाट आई मेकअप यू हैव डन नो मैटर हाउ मच अमाउंट ऑफ बेस यू हैव अपलाई वाला लिप कलर बहुत अच्छा लगता है इंडियन वेयर के साथ नेक्स्ट वन अगेन एन अफोर्डेबल फाइंड फ्रॉम स्विस ब्यूटी दिस इज देयर होल्ड मी मैट Lip color in the shade 01 Cute Nude, and it actually is a very, very cute nude. Look at this color. सो दिस इज वॉट दिस कलर लुक्स लाइक एंड दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई लिप्स राइट नाउ आपने कोई भी ड्रामेटिक आई लुक किया हुआ है या एकदम आपके सटल आइज है मेकअप किया अच्छा है चाहे नहीं किया है ये वाला लिप कलर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है एंड वेन एव आई अपलाई दिस लिप कलर आई डेफिनेटली गेट अ लॉर ऑफ डी एम्स आस्किंग वॉट लिप कलर आई एम वेयरिंग एंड ये काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है मेरे पास ये मिनी साइज में है इसका बड़ा साइज भी आता है तो मैं लिंक सारी नीचे दे दूंगी बट दिस कलर लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड आई थिंक इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी ऑन लाइट टू मीडियम स्किन टोन अगर आप ज़्यादा डीप हो तो आपको ये वॉश आउट कर सकता है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अ डिजाइनर लिपस्टिक दिस इज बाय द डिजाइनर मनीष मल्होत्रा माई ग्लैम के साथ उनका कोलेबोरेशन था एंड दिस वन इज इन द शेड बर्न सी एना ना ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फर्स्टली लुक एट दिस कलर

तो ये काफी ज्यादा लिप्स को हेल्दी दिखाती है सो आई रियली रियली लाइक दिस लिपस्टिक नेक्स्ट इज एन अदर लिपस्टिक फ्रॉम शुगर दिस इज नथिंग एल्स मैटर्स लिप लॉन्ग वेयर लिपस्टिक एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक ये वाला शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसका सिर्फ इतना ही बचा है दिस वन इज इन द शेड फिफ्टीन बेस्ट टर्नर आई थिंक ये लिपस्टिक मैंने पक्का आपको पहले भी रिकमेंड की हुई है इट सो दिस इज वोट द शेड बेज टर्न लुक्स लाइक हैवी आई मेकअप्स पर भी काफ़ी अच्छा लगता है अगैन ये ऐसा शेड है जो काफ़ी सारे लुक्स के साथ बहुत अच्छा लगता है एंड ईवन ऑन नो मेकअप डेज ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है इसका जो फॉर्मूला है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल है इट ड्राइज डाउन मैट एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक मतलब लिक्विड लिपस्टिक जितनी आपको लास्टिंग पावर ये दे देगा एंड अगैन अगर थोड़ी सी हट भी जाती है तो क्योंकि बुलेट लिपस्टिक है इसको अप री अप्लाई करना काफ़ी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है शायद रियली रियली लाइफ

के हो तो ये आपको वॉश आउट कर देगा बट इवन विद अ ब्राउन लिप लाइनर, दिस लिपस्टिक लुक्स सो प्रिटी आई रिमेंबर कि ये कोमल पांडे की भी फेवरेट लिपस्टिक हुआ करती थी उन्हीं की वीडियो में से देख के मैंने ये लिपस्टिक मंगाई थी एंड टिल डेट आई लव दिस लिपस्टिक एंड आई नो दैट प्रोबेबली इट इज एक्सपायर्ड बट आई एम नॉट रेडी टू थ्रो इट येट बिकॉज इट इज जस्ट सच ओप्रिटी शेड नेक्स्ट इज फ्राम अ प्लम दिस इज द ट्विस्ट एंड मैट गो क्रेन लिप क्रेन इनकी जितनी भी शेड मैंने ली थी मैंने एक वीडियो में प्रॉपर इनके स्वचेस दिखाए हुए हैं बट दिस इज द शेड क्रिम्सन साइड एंड इट इज सच ओपरिटी कलर विद बिल्कुल एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्राउन एंड पिंक है एंड अगेन इट मेक्स फॉर अ वेरी 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 प्रिटी न्यूड कलर थोड़ा सा मेरे लिए डीप न्यूड है इफ यू आर देन स्किन टोन तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा न्यूड बनेगा बट इवन फॉर लाइक लाइट टू मीडियम स्किन टोन ये लिप कलर काफी अच्छा लगता है माइट नॉट लुक एज न्यूड ऑन यू बट स्टिल आई रियली रियली लाइक दिस कलर इस वाले लिप कलर को स्विस ब्यूटी के इस वाले कलर के साथ मिक्स करके भी मैं काफी ज्यादा अप्लाई करती हूँ एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी सो इफ यू Like a darker skin tone, definitely get this color crimson side. And I promise कि ये आपका everyday lip color बन जाएगा. It is that good looking. Last is a liquid lipstick from Mama Earth. Is their feather light lipstick? I had to include this in today's video because ये lipstick का formula मेरा favorite है. Out of all the liquid lipsticks that I own, I love the formula of this lipstick. Feather light, है, एक दम नाम जैसा ही काम है. बिल्कुल पता नहीं चलती है lips पे लगा के. बहुत ज़्यादा lightweight weight है. बिल्कुल drying नहीं है.

इवन मीडियम टू डस्की स्किन टोन अगर आप मेरे से थोड़े से डार्क भी हो तो भी आपके ऊपर ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी अगेन विद इंडियन वेयर तो ये सारे ही ऐसे न्यूड लिपस्टिक्स हैं जो इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ जाएंगे एंड आई फील दैट इनमें से कोई भी कलर जो आपको पसंद आ रहा है चूज़ दैट एंड इट विल बी योर परफेक्ट एवरी डे न्यूड कलर आई लिटरली लव ऑल ऑफ़ दीज लिपस्टिक्स एंड एम श्योर कि मैं इनको तो खत्म कर ही दूंगी और कोई करूँ या ना करूँ सो ये सारी ही लिपस्टिक के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दैम एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो अगर आपको और भी लिपस्टिक रिकमेंडेशन चाहिए तो ड्रॉप दम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगाओ हेल्पफुल लगाओ इफ सो लाइक से कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल द स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय